तो गाइस आशु भाई की तमन्ना थी कि मुझे जिंदगी में ऊंचाई छूनी है, तो हमने 20 मंजिल पे लाया खड़ा कर दिया। छू कितनी ऊंचाई छू हो गए जी। असलम चिकन कॉर्नर है, चलेंगे अंदर मगर ये स्कूटी वाले। चलो चाचा चलो, और अभी खाना आएगा जो हमने ऑर्डर किया है वो खाना दिखाएंगे क्या है। तो गाइस हम आ चुके हैं जामा मस्जिद हलीम चावल या बिरयानी की खोज में एज मुस्लिम यार। तो अभी देखते हैं, अभी फैसल भाई पहले आगे चल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि फिर जाम लग जाएगा, फिर तो वैसे भी नहीं जा सकते। आशु भाई ने प्रण लिया है कि हलीम चावल मैं खिलवा दूंगा, चलो तुम। तो ये हमारा सुबह सवेरा जाम मस्जिद के सामने 6 बजे का टाइम है। कितना प्यारा सवेरा है, आप देखिए। मुर्गा सीख गया तो भाई सुबह ही, मुर्गा सीख के कबाब सुबह ही, हलीम बिरयानी 6 बजे मिलेगी के सामने। गाइस ये जाम मस्जिद का लेफ्ट साइड वाला गेट डाल दो अंदर, मगर अंदर गाड़ी लगने की तो ना। एक चीज की जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है ना, डाल दो ना लग जाएगी यार, डाल दो नीचे वाला खा जाएगा। एक चीज की सबसे बड़ी कमी लगती है मुझे इस एरिया में, वो है गंदगी। इतनी इतनी अच्छी अच्छी मॉन्यूमेंट्स है ये, और हालत देखो इस रोड की, उन्होंने क्या कर रखी अंदर। ये नहीं ये सब हमारी कम्युनिटी की गलती है भाई, बिल्कुल क्लियर कहूंगा मैं। देखो कितना कूड़ा हो रहा है, अब इस एरिया को अगर अच्छे से प्रिजर्व करते तो कितना बढ़िया लगता। पर भाई नहीं कूड़ा कूड़ा दुनिया भर का पड़ा है। देखो अभी आपने न्यू दिल्ली देखा, अब अभी ओल्ड दिल्ली देख रहे हो। ये ओल्ड दिल्ली है, इसको शाहजहानाबाद कहते थे पहले, ये शाहजहां ने बसाया था, बाद में इसको ओल्ड दिल्ली का खिताब दिया गया। और इसी के हालत देख के, कंजेस्टेड गली है, ये सब देखने के बाद यूटीएस ने फैसला लिया था कि हम न्यू दिल्ली डिज़ाइन करेंगे। जो गवर्नमेंट प्रोविंस होगा ना उसके लिए ही उन्होंने एडमिन यूटीएस ने न्यू दिल्ली डिज़ाइन किया था। हालत आप देख रहे हो, समझ भी रहोगे देख के क्यों किया होगा। पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी इमारत है, ये बताती हैं कि वजूदार खंडरात हैं। तो गाइस हलीम चावल तो हमें मिले नहीं काफ़ी घूमने के बाद, सब जगह कोरमा और शीरमाल और नान और ये हुए पड़े। मन अभी खाने का हलीम चावल था, अभी हम वापस जा रहे हैं कि कहीं और देखते हैं, अगर कुछ ढंग का खाने का मिल जाए, इंसानों वाला खाना। ये बाय द वे गाइस दिल्ली गेट है, इसकी हिस्ट्री बहुत तगड़ी हिस्ट्री है, कभी इसके बारे में एक बार पढ़ना गूगल करके। बहादुर शाह जफर के ज़माने का मामला है, और ब्रिटिशर्स ने जब इन्वेट किया था, फॉट आउट किया था बहादुर शाह जफर के सामने, तो ये सारे किस्से इससे मिलते जुलते हैं दिल्ली गेट के। यही मेन एंट्रेंस था दिल्ली गेट, और वो रास्ता जा रहा है जीबी पंत। तो गाइस हम गाड़ी में लेटे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर हम विश्राम करेंगे। 1, 2, 3 एंड चौथा हमारा योग पड़ा इधर पीछे सीट का, कतई कतई डंगर सो गया गाइस लेटे लेटे। और अभी हमारा प्रोग्राम है नाश्ता करने का, खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, खाएं क्या अभी देखेंगे। सामने कचौरी समोसा मोसा मिला है, कुछ वो खाएंगे। तो गाइज मैं आपको बताऊँ एक बात, जिंदगी में सुअर पाल लेना मगर ऐसे दोस्त मत पालना। मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दिया उन्होंने, मेरी सीट पा के पड़ गए। मैं खड़ा हूँ लोक नायक हॉस्पिटल के सामने, जीबी पंत के सामने, ये देख सकते हो आप, पार्किंग मिल नहीं रही थी तो यहाँ खड़ो के रेस्ट कर रहे हैं, बजने का इंतजार 10। क्या करें गाइज ऐसी होता कभी कभी। बड़ी हमारी काली थार, इन्होंने घर उससे बाहर निकाल दिया यार गाड़ी से, सामने आ गया गाइज इनके, देख के यार आशु भाई। तो गाइस हम खड़े हैं अभी साकेत में, और छोले कुलचे खाने के लिए हम उतर रहे हैं। देख के यार, देख के बंद करना डोर बंद करो। अरे लड़के फैज आओ, छोले कुलचे आ जा फैज अब आओ। इधर पता ना क्यों ना आ रहा हमारा रिश्तेदार। तो गाइस आ गए हैं छोले कुलचे, टमाटर डाल तो दिया, कितने टमाटर, पूरी मंडी खा ले। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी यमुना एक्सप्रेस वे पे, और हम जा रहे हैं अभी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से भी मेरी बहुत सारी यादें हैं, जैसे मेरा कॉलेज। तो अभी आप देख सकते हो आगे परी चौक आने वाला है 20 किलोमीटर के बाद। तो इस कॉलेज यहाँ पे 2015 से लेके 2021-22 तक मेरा बहुत रहना हुआ है, नहीं रहा करता था मैं, बहुत तीर मारे मैंने जो लगे नहीं। Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. स्वागत करते ही पुरानी यादें आ गई। चौक सीधा, हाँ सीधा चलना परी चौक, और ये गाइस जा रहा है लेफ्ट में जेवड़ अलीगढ़ मथुरा आगरा, 1.5 घंटे में आगरा इधर से लेफ्ट वाले से ब्लू वाला जो है ये, और ये परी चौक के लिए हमारा सीधा। अभी मेरा कॉलेज आने वाला है, कॉलेज भी दिखाऊंगा आपको कौन सा था मेरा। तो गाइज ये है मेरा कॉलेज गलगोटिया, भी दिखाता हूँ आपको हल्के हल्के, इधर लेफ्ट में ले जाओ, इधर ले लो फैसल भाई। ये गाइज हमारा कॉलेज, हाँ गलगोटिया, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी थी। उस टाइम में ये मॉल वगैरह कुछ नहीं था, कुछ नहीं कहेंगे चलो। ये सारे बच्चे हमारे जूनियर,
2015 में मैं इंजीनियरिंग में आया था। ये हमारी क्लास लगती थी जब मैं सिविल ब्रांच में था। तो ये गलगोटिया कॉलेज है, फिर बाद में मैंने कॉलेज चेंज किया था ड्यू टू सम चेंजेस। अभी ये यहाँ पे मॉल बन रहा है सामने गलगोटिया के, यहाँ पे ठेले लगते थे एग रोल वगैरह की। ये रहा कॉलेज हमारा गलगोटिया कैंपस वन, वो हॉस्टल की बिल्डिंग है सामने। ग्राउंड में खेलते थे भाई हम बैट बॉल गेंद बल्ला, बहुत मजे लिए हमने यहाँ पे। वो सामने जो है ना वो ट्रेड फेयर लगती थी यहाँ पे, जब ट्रेड लगती थी लोग आते थे बाहर से इधर से ना। हाँ गोल चक्कर तो घुमा लेना। तो गाइस ये आ गई है हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी और ये है NIU नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। पहले ये पढ़ती है फिर वो पढ़ती है, मगर मैं उसमें पढ़ता था मैं उसके अंदर। असल भाई हल्के चलो लैट दबा के इनसे कट आएगा, अंदर डाल दो गाड़ी, डाल दो सामने से। ये था हॉस्टल, ये जा रही है छात्र गलगोटिया का। अब कहाँ जा रही है भाई, तू भी पढ़ लिया क्या? काकू जा रिया हमसे तो बताना रिया, काकू जा रिया, काकू आ रिया, नो कोरमा नो बिरयानी। ये रहा बाकी गलगोटिया, बहुत याद है गाइस यहाँ से, इतनी याद है। अपने बच्चों को ले जाऊंगा मैं यहाँ, आगे दिखाऊंगा, बस ब्याह होने का इंतजार है मुझे। ये बच्चे जिनकी मैथ्स बाहर की होती है ना, खाना वाना आता उनके लिए, वो सब यहाँ मिलता था। मेन गेट आ गया है, भी दिखाऊंगा, चलो मेन गेट चलते हैं भाई साहब। ये निगरो भी बहुत है, नाइजीरिया के हैं बहुत है, हमारी क्लास में बहुत थे नाइजीरिया के। हाँ ये खड़े नाइजीरिया के देख लो अंदर। ये रहा गाइस हमारा कॉलेज जहाँ हमने कभी वक्त गुजारा था, जाने नहीं देंगे क्यों, ये हमने टाइम अपना वक्त गुजारा गाइस गलगोटिया में। क्या यार कॉलेज छुड़ी है साले, याद ही नहीं छुट्टी। फैसल भाई ये बस स्टैंड है ना फैसल भाई सामने वाला, यहीं से तो हम वो ऑटो पकड़ते थे, ये ऑटो मिलता था यहाँ से सामने से। तो गाइस हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी में रहते हैं हमारे बड़े भाई गोल्डी भाई। तो उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आए थे बिजनौर से उमेश का, यहीं से एंट्री ले लो फैसल भाई। तो गाइस ये है एंट्रेंस यमुना गौर सिटी। कुछ खाने के फूड कोर्ट है, मिठाई की दुकान है, इंफ्राटेक की शॉप है, ठीक है टाइले ले लो, और भाई आपकी अमूल मिल्क की दुकान है इधर। अरे वाओ नाइस, शराब की भी दुकान है गाइस, पी भी सकते हो यहाँ, कहीं बाहर नहीं जाना, सब अंदर मिलेगा। तो गाइस यही वो टावर है जिसमें हमें जाना है, यह है सेवंथ पार्क एवेन्यू। एक ये भी है, एक आगे है, चलो ना आगे चलो, पलट के देखता यहीं से लेफ्ट है, गेट में से एंट्री ले लेना यहीं से ही। ये आ गया भाई फ्लैट का एंट्रेंस, चलते रहो फैसल भाई सीधे। आशु भाई वो वाली बिल्डिंग है ऊपर टॉप पे, कौन से वाला? 18 है शायद, नहीं 21 है। बड़ी सिटी में ऐसी होती भाई हर जगह आशु भाई। असल में न्यूट्रल कर ले वाला गाड़ी बननी होगी, गाड़ी कहाँ लगानी? ये वाला है जहाँ लिफ्ट है ना सामने, लिफ्ट से जाना है ऊपर 21st पे। तो गाइस यही है भाई का फ्लैट, जाएंगे ऊपर। एक काम करते साथ साथ चलता हूँ, बंद कर दूंगा। चलो भाई निकले गाँव आशु भाई, कौन सी मंजिल जा रहा है घूमने? हम पता नहीं यार कौन सी मंजिल जा रहे हैं। ऊपर देखो 6 निकला, 26 निकला, 26 नहीं 20 में जोड़ दिया, 20 भी जा रहा है। आशु भाई जा रहे हैं नाश्ता करने फैसल भाई के फ्लैट। वाओ सो लुकिंग आज ये दूरी इंग्लिश, अरे ये ब्लर सा क्यों हो रहा? तो गाइस आशु भाई की तमन्ना थी कि मुझे जिंदगी में ऊंचाई छूनी है, तो हमने ने 20 मंजिल पे लाया खड़ा कर दिया। छू की इतनी ऊंचाई छू गए, इसे तरम से हटा दो यार, तरम हार इसे के भाई, इसे हटाओ मरक का वाट टेबल। और इधर बात चल रही है फोन पे, पैस की कोई डील चल रही है तगड़ी भाई। की रूम ये भी तो था एंट्री के बाद, तो भूल गए थे हम बालकनी केनी चेनी केनी एक रूम। जिगर
तो गाइस आशु भाई ने हमें सोने नहीं दिया। हम फ्लैट से उठ के ऐसे ही मुंह लेके आए हैं अपना, का पेट ही नहीं भरता। अब इनका पेट भरवाने के लिए हम जा रहे हैं होटल पे खाना खाने, रोटी। अब देखेंगे उड़द मिलेंगे के बोटी। जा रहे हैं रोटी खाने दोपहर की। रोटी इज इम्पोर्टेंट, नेवर मिस रोटी। आशु भाई सॉन्ग सुनाएंगे गाइस, आप इनका सॉन्ग सुनो, आनंद लें। इरशाद, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तेरे दांतों पे एक मेरे सिवा कोई चप्पल नहीं, तुम्हारे जैसा है साजन। साजन फांसी लगा ली आज, बन गया नहीं धीरे धीरे से इस पे। एक और सुना दो, एक और चारा आशु भाई। अच्छा पसंद जो तुम्हें आता हो बढ़िया, सफर का पता ना चले नोएडा से दिल्ली तक का, ऐसा कर दो काम। इतने करीब होटल है गाइस, बने रहे व्लॉग में, ऐसा व्लॉग नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। अगर प्लस सिंगर सुकून मिला, चप्पल का है मजाक तो करते हैं, ऐसी कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा तुम्हारा। शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए क्या पता। कोरमा लाओ, कोरमा जल्दी से, कोरमा रोटी, नू कोरमा नू बिरयानी, नू कोरमा नू बिरयानी। बोल्टी भाई आप हमारे साथ आए तो मौसम सुहाना हो गया। देखो अरे माशाल्लाह भाई सुहाना, मौसम भी सुहाना, गरम मसाला। तो गाइस हम आ चुके हैं जामा मस्जिद और बारिश का प्रकोप थोड़ा सा कम हो गया है और हम ढूंढ रहे हैं कोरमा एवं बिरयानी। तो गाइस हम खड़े हैं अभी असलम चिकन कॉर्नर, जाने की इंतजार में, वहाँ खाने की इंतजार में। ओ चाचा, ए चाचा रिक्शा थोड़ा धर करो ना, गाड़ी कर रहे हैं वो, बैक करके लगा दो। और ये जामा मस्जिद का बहुत खूबसूरत नजारा बारिश में, और हम जाएंगे अभी असलम भाई का चिकन खाने। ये जामा मस्जिद पाशु भाई जामा मस्जिद निहारते हुए कुछ कमियां खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ है क्या। अल्लाह के हुक्म से बहुत प्यारी बनी है ये गाड़ी, यहाँ खड़ी कर दी हमने। और एक ये लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा है, गाड़ी ये खड़ी हमारी ठीक जामा मस्जिद के सामने। अभी हम जा रहे हैं असलम के यहाँ चिकन खाने। ये भैया एक नंबर गेट, चलो यार काहे टेंशन ले रहे जी मी। सलाम अलैकुम गाइस। तो गाइस देख सकते हो करीम होटल की गली, असलम कूल पॉइंट भी यही है, योरा असलम कूल पॉइंट। तुम्हारे दोस्त भी खाने के टाइम पे मिल रहा है भाई, सुबह से नहीं मिले। कहाँ चल रहा, याशु भाई ब्लॉगर, फैज भाई, फैसल भाई, दो दो ये मिल रहा है यहाँ पे भैया, फेनी रमजान का सौदा, पूरी जामा मस्जिद। गाड़ी वहीं पे खड़ी करी हमने तो लेफ्ट में।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं असलम चिकन, गाइस ये असलम चिकन कॉर्नर है, चलेंगे अंदर। मगर ये स्कूटी वाले, चलो चाचा चलो, पब्लिक ना खाने देने की आज मुर्गा गाइस। वो बाद में बात भाई करते हैं, मैं खुद देख रहा कौन है पीछे जा रहा है मतलब। ये भाई असलम चिकन कॉर्नर, क्या हुआ? हाँ तो गाइस अभी हम आए हैं असलम चिकन कॉर्नर। आशु भाई ने बहुत अच्छा लुक दिया अभी असलम चिकन कॉर्नर पर, मुस्कुरा के। और अभी खाना आएगा, जो हमने ऑर्डर दिया है वो खाना दिखाएंगे क्या है। बेटे डोंगे लाया, बस रोटी तो ला दे चमचा ला। गाइस चिकन देख के मुंह को हाथ वाथ फेरने लगी जनता। दो रुमाली दे दो यार, अपनी अलग ले लो, तीन दिन अपनी में से नहीं देना का बिल्कुल। मेरे में रखवा दी इस आदमी ने, यो आदमी सामना का आदमी का। ये रहा हमारा रिजक और ये आ गए हमारे कबाब असलम चिकन। गाइस गाइस रिव्यू असलम चिकन का ही देना चाहूँगा मैं, सर्विस बहुत स्लो है। इनके सामने करा बेटा, ये रहा रोटी ला के दे रहा, आधी आधी करनी पड़ रही थी वो, एक घंटा हो गया इनसे कहते कहते रोटी ला दो रोटी ला दो। ये जो है ना आलम भाई, आलम भाई जो है ये कर रहे हैं। तो गाइस आ गए और नान, क्या हो गया ये बचा पड़ा मेरा ऐसी। सब लौंडे बैठे इंतजार में, असलम चिकन कॉर्नर पर हम बैठे हैं। नाम बहुत सुना था मगर सर्विस के हिसाब से पता नहीं। अरे चलो खांगे फैसल भाई, हम निपटांगे चाहे 10 बार मंगानी बड़ी टेंशन, मगर सर्विस फास्ट होनी चाहिए भाई। चलो अब टूट पड़ो बिल्कुल, बरस जाओ रोटियों पे। तो गाइस फूले फूले नान मक्खन मिलाने के बाद, तो गाइस खाना वाना खा के हम आ गए बाहर। बारिश का तो कुछ मौसम है, हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है बोरी वो खड़ी वहाँ पीछे, क्या हुआ गाड़ी निकालो। आधी रात में से लग गया सिर्फ का। तो गाइस निकल गए हम खाना वाना खा के जाम मस्जिद से, अब जाएंगे हम नोएडा की साइड और फिर अपने बीच नोएडा जाएंगे। हाँ डिगी को। तो गाइस अभी हम फिर से चेकिंग में पकड़े गए दिल्ली में। एक मिनट। अरे वो देख लेना मेरी फाइल ना गिर जा भाई डिग्री की। तो चेकिंग चल रही है, पुलिस ने हमें फिर से रोक लिया। हटना जरा, अरे फैज नीचे दो सामान देख रहा हूँ कि गिर जाए। फाइल कौन सी फाइल है ये? जी सर नमस्ते। नमस्ते मेरे भाई, एक मिनट नीचे आ जाओ। आ रहा हूँ। तो अभी हम हैं न्यू दिल्ली। लाइट खोल दी मैंने, नहीं तुम रहो अंदर ही देख लेंगे सर खुद ही। तो जब भी आओ भाई अपने पेपर वेपर इंश्योरेंस आर्स पूरी करो। मेरा व्लॉगिंग चैनल है सर। तो सर ने अलाउ कर दिया है कि चल कोई नहीं रुके रहो। मैंने सर को बताया तो देख के आते हैं क्या चल रहा है। हम सर बिजनौर, डोर बंद कर देना, डोर बंद कर लो, खुल रहा है। हाँ यार सेंस होनी चाहिए इतनी तो तुम्हें भी। दरवाजा साथ ही जाएगा। सब डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद खुशी खुशी वापस हो गए अपनी मंजिल की ओर। बैल डाल दूँ भाई सबसे पहले मैं, कभी फिर ये पकड़ लें दूसरे खड़े।